तो जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वो घड़ी बस कुछ ही घंटों बाद खत्म हो जाएगी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ कल अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां एक तरफ रोहित की सेना पूरी तरह से फॉर्म में है तो ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले देखा भी था कि मैक्सवेल किस तरह से पागल हो गए थे और वो बस खड़े खड़े वहां से चौके और छक्के जड़ते हुए नजर आ रहे थे। मतलब उन्होंने सोच लिया था कि चलिए ठीक है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, हम चल नहीं सकते, लेकिन हम खड़े खड़े बॉलिंग और बैट जो बॉलिंग आ रही है उसमें बैटिंग तो बहुत धुआंधार कर ही सकते हैं, वैसी तस्वीर हमने देखी। लेकिन चारों तरफ दुआओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई हवन यज्ञ कर रहा है, कोई चादर पोशी कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में मत्था टेक रहा है। तो एक पावन पर्व का भी त्यौहार चल रहा है, इसीलिए मनोकामनाएं हर कोई मांग रहा है कि कल का जो मैच है ना वो बस भारत जीत जाए और जो कप है हमारे घर में ही रह जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा कप कोई लेकर जाए। तो काजल, जैसे आपने बताया कि मैक्सवेल जिस तरह से खड़े खड़े चौके छक्के मार रहे थे, वाकई में वो देखने लायक दृश्य था। ऐसा लग रहा था बॉल उनको ढूंढ रही है, वो बॉल को नहीं ढूंढ रहे हैं। उन्होंने जहां देखा वहां मारा। ऐसा लग रहा बच्चों का खेल जैसे चलता है ना कि बॉल बैट पकड़ लिया बस टकाटक लगे हुए हो। और इसी तरह से उन्होंने कम से कम 70-80 रन उन्होंने खड़े खड़े मार दिए थे। तो मैं फिर कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल ना करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। भारत के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर भारत ने दो बार विश्व कप जीता है तो उन्होंने 5 बार जीता है। तो मैं आपको इसके अंदर बहुत अच्छी एक बात बताऊं, इनके ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अच्छी बात क्या है, ये इंग्लिश प्लेयर जितने भी हैं इन लोगों के अंदर एक डर नहीं है, या इनके अंदर ये कल का नहीं सोचते या क्या होगा कैसे होगा, प्रेशर इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। ये लोग सोचते हैं कि हमें अच्छा खेलना है, अच्छा करना है। क्योंकि एक कमी जो है हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेबरिंग कंट्रीज जितनी हमारी, कि बोलते हैं ना कि आलोचनाएं बहुत होने लगती हैं हारने के बाद और टारगेट किए जाते हैं प्लेयर, तो एक वो प्रेशर बिल्ट होता है प्लेयर्स के ऊपर। इसी तरह से इनके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ट नहीं होता, ये फॉर्म में इसी तरह से रहता है, प्रेशर में मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलिया और अच्छा खेलती है। देखिए, हो भी क्यों ना, क्रिकेट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे देश का बच्चा बच्चा क्रिकेट के बारे में हर एक नॉलेज रखता है और कहीं ना कहीं एक इमोशंस भी है और दिल से कनेक्शन रहता है और देश की बात होती है, देश के लिए प्लेयर्स खेलते हैं जी जान, पूरे साल तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है इमोशंस है, इसी वजह से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल जब हमारे खिलाड़ी खड़े नहीं उतर पाते, कई बार हमारा फॉर्म सही नहीं होता, लेकिन इस बार हमें कम नहीं समझना है, लेकिन हम 2003 की बदला का लेंगे, हमें नहीं पता, हम तो बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो मैं वैसे ही बता दूं कि 19 को कल हमारा फाइनल होने वाला है और फाइनल में इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त है, बॉलिंग लाइन बहुत ज़बरदस्त है, फील्डिंग बहुत ही उमदा है। तो आप किसी चीज़ पे बोल नहीं सकते, ये कमी है, मतलब प्लेयर्स अपनी फॉर्म में हैं, कंट्रोल्ड में हैं, इमोशंस कंट्रोल्ड में हैं, हर तरह से कंट्रोल में हैं और 10 में से 10 अभी तक मैच पूरे जीते हैं, एक और बाकी है। तो एक मैच जीतना बाकी है जिसमें अपने इमोशंस, अपने परफॉर्मेंस, हर चीज़ दाव पे लगानी है, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इसमें। तो सोचिए क्या कि कल भारतीय टीम अच्छा खेले, इसके लिए हम पूरी कामना करते हैं, वो पूरी फॉर्म में रहे, एक एक प्लेयर स्वस्थ रहे और हम लोग उनके साथ। बोलते हैं कि मैं तो कल ब्लू होने वाला हूँ पूरा, कल तो मैं ब्लू ड्रेस ही पहनने वाला हूँ पूरा, मैं भारत को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला हूँ। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है कि किस तरह से, मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा कि भैया दूज के दिन आप लोगों को गिफ्ट मिला, विराट भैया ने आपको 100 मार के दिखाए, 85 रिकॉर्ड बनाया, दीपावली के दिन जीत के दिखाया। तो त्योहारों को बिल्कुल माहौल बिल्कुल सेट कर रखा है कि भैया हर दिन त्योहार, अब असली दिवाली जो है वो कल होने वाली है। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। देखिए, हमें क्या गिफ्ट चाहिए, हमें सर हमारा कप चाहिए और जिस तरह से भारत जो है बुलंदियों को छू रहा है, हम चाहते हैं कि क्रिकेट में भी वो इसी तरह से बुलंदियों को छुए। अगर हम फॉर्म की बात करें, देखिए अगर पिछले मैच की हम बात करें, सेमीफाइनल की बहुत अच्छा स्कोर हमने देखा, हमारा बैटिंग जो था वो बहुत बहुत बढ़िया रहा, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन जिस तरह से हमने इस बार पूरे टूर्नामेंट को देखा, भारत को खेलते हुए देखा, तो हमने देखा था कि बहुत ही छोटे रन बनाने सामने वाली टीम को देते थे और तभी ऑल आउट।
लेकिन सेमीफाइनल में थोड़ा सा प्रेशर भारत पर रहा, हालांकि फिर हमारे जो धुरंधर आ गए सामने शमी और एक के बाद एक जो देखो ऐसा है कि मैच अभी तक जितने मैच हो रहे थे वो लगभग एक तरफा से हो रहे थे, हर कोई बोला था इंडिया तो हर तरह से जीत रही है, तो पैसा वसूल मैच तो था वैसे वो, है ना, कि पैसा वसूल मैच जिसको बोलते हैं कि आपका प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, ये सब मैंने कहा भी था कि जो दिल के मरीज है उनके लिए मैच नहीं है, तो सांसें थामने वाला मैच था और हम लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से हम लोगों के लिए वो ज़्यादा प्रेशर वाला मैच हो गया था। ऑल्दो हमारा स्कोर इतना ज़बरदस्त था कि वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन ही था, पर फिर भी क्रिकेट है, इसको कम में नहीं ले सकते, इसको हल्के में नहीं ले सकते, तो प्रेशर तो था। और बिल्कुल इसमें एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त जो है वो मुझे देखने के लिए मिली है, देखिए इमोशंस की बात हो रही है तो क्रिकेट से हमेशा से ही भारत का इमोशंस जुड़ा रहा है, जब कपिल देव हमारे लिए वर्ल्ड कप लेकर आए थे तब से लेकर फिर धोनी लेकर आए और अब उम्मीद हमारे कप्तान रोहित शर्मा से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमने ना एक चीज़ देखी है कि देश में जिस तरह से राजनीति होती है, हिंदू मुसलमान होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पूरा तरह खत्म हो गया। देखिए मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जितना प्यार लुटाया जा रहा, लड़कियाँ तो पागल हो चुकी हैं दोनों के पीछे। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ कि खेल से अगर प्रेम बढ़ता है तो इसको बढ़ा देना चाहिए। मैं फिर बोलूँ क्योंकि शमी सिराज जिस तरह से इन्होंने मैच खेला है, हमेशा क्या होता था कि जब भी कभी परफॉर्मेंस इनकी ख़राब जाती थी इनके ऊपर आरोप लगते थे किस तरह, मतलब ये जो कि अच्छा नहीं है, खेल क्रिकेट जीतना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कि कल कोई भी रिजल्ट हो क्रिकेट जीतना चाहिए, पर इन्होंने वाकई में देशभक्ति दिखाई है, इन्होंने दिल जान जिगर हर तरह से इन्होंने बिल्कुल निकाले, अरे कंपटीशन आपस में करा है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक दूसरे, मतलब पिछली बार मैं बोलूं कि जैसे शमी ने कैच छोड़ दिया था, एक कैच छोड़ा बुमराह का कैच था शायद वो, और बुमराह का कैच छोड़ा तो उनको एक अफसोस उन्होंने बाद में बताया कि यार वो काश मुझसे वो कैच ना छूटता, वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब हालांकि टीम इंडिया जीती पर एक दूसरे को सपोर्ट करना ये टीम के अंदर दिखाई दिया। और मैं इससे एक चीज़ और बोलूँ, परसेंटेज प्यार मोहब्बत की बड़ी है और इस टाइम आप मैच देखेंगे तो मतलब हिंदू मुस्लिम एक होकर पटाखे भी फोड़ रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक और बताऊं, पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, पाकिस्तान देखिए जिस तरह से पाकिस्तानी टीम आई थी, देखिए बहुत जब आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आजकल हर कोई देख रहा है, तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं जो प्लेयर्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप दोबारा आइए, इंडिया वाले उन्हें बुलाते हैं तो कहते हैं कि आप वीज़ा करवा दीजिए हम तो आने के लिए तैयार हैं। वो वेलकम जो वार्मनेस इंडिया ने दिखाई थी ना वाकई काबिले तारीफ थी, लेकिन यहाँ हमें ये ज़रूर देखना है कि इस वर्ल्ड कप से हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ, जहाँ हमने 50-49 बनाया विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, दूसरी तरफ शमी ऐसे क्रिकेटर बन गए, ऐसे बॉलर बन गए, मतलब एक मैच में वो भी वर्ल्ड कप के आप 7 विकेट ले रहे हैं बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आरोप लगे पाकिस्तान से मैच फिक्सिंग के, उनकी बीवी ने जो आरोप लगाए, वाकई एक डाउनफॉल जो शमी का था, वो कमबैक किसे कहते हैं ना, वो कोई शमी से सीखे। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बना, दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली ऐसे बने हैं जिन्होंने ODI में 50 शतक पूरे किए। देखिए उससे ज़्यादा 50 तो अब 50 के आगे उनके 10, 60 और 70 भी होंगे और उनका रिकॉर्ड तोड़ना एक और चैलेंज हो जाएगा। बट सबसे अच्छी बात इसके अंदर की थी, गुरु और चेला दोनों ग्राउंड पे थे, समझ लीजिए कि गुरु स्टेडियम के स्टेडियम में बैठे थे और चेला वहाँ से, और उन्होंने एक दूसरे जब उन्होंने रिस्पेक्ट से उनको बो किया तो मतलब वो समझ में आया कि मतलब किस तरह से हमारा क्रिकेट सम्मान जो था। और इस बात के लिए सचिन इतना खुश थे कि मैं आज स्टेडियम में हूँ और मेरे सामने मेरा रिकॉर्ड टूट रहा है और मैं जिसको चाहता था वो मेरा रिकॉर्ड वो तोड़े, उसी ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा, ये बहुत अच्छी बात थी। तो इस तरह से मैं बताऊं। और दूसरी चीज़ है काजोल, मैं एक चीज़ और बता दूं कि हर बारी हर मैच में एक बात होती है कि छठे बॉलर की जो है कमी नज़र आती है भारत, तो जब हमारा 9th मैच था तो 9th मैच में कैप्टन ने क्लियर कर दिया कि हमारे छठे की कमी कोई नहीं है, हम छठे की जगह जो हमारे पास है और भी बॉलर्स हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी रोहित ने खुद बॉलिंग करी, विराट ने बॉलिंग करी, शुभमन गिल ने बॉलिंग करी और सोचिए सूर्य कुमार ने भी बॉलिंग करी, मतलब उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन छठे का ऑप्शन नहीं, मेरे पास 4 ऑप्शन और हैं और 2 रोहित शर्मा ने विकेट निकाला, विराट ने विकेट निकाला, तो सोचिए कि हमारी टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है, हर कोई एक छुपा रुस्तम किस तरह से आया। इसी तरह से मैं शमी की बात करूं, शमी ने जिस तरह से परफॉर्म किया, पहले मतलब वर्ल्ड कप 11 की टीम में वो थे भी नहीं, सोचिए कि 4 मैच शुरू के 4 मैच में उनका नाम भी 11 में नहीं था, पर उसके बाद जिस तरह से बोलते ना डेस्टिनी ने सब कुछ लिखा है, वो आपकी आप जब ऊपर से लिखवा के आए तो कोई नहीं,
वहाँ किसी को चोट लगनी थी और कोई हीरो बनना था, तो सोचिए कितनी बड़ी बात। और उन्होंने हीरो बन के देश प्रेम भी दिखाया देश के लिए, और जो दाग लगे थे वो पूरी तरह से उन्होंने, जो आरोप लग रहे थे वो पूरी तरह से उन्होंने साफ कर दिए कि आप चाहे जितने मर्जी आरोप कितनी भी आलोचना कर लीजिए लेकिन मैं दिल से खेलता हूँ, मैं अपने भारत के लिए खेलता, भारत के लिए खेलता हूँ। एक किस्सा है बहुत मजेदार है, जरा मैं वो बता देती हूँ अपने दर्शकों को। देखिए हार की तारीख थी 23 मार्च 2003 जब ऑस्ट्रेलियन टीम हमसे जीती थी। अब फिर से कल फाइनल होने जा रहा है, इसलिए कसरत जो है ना वो बहुत ज्यादा है अंदर। 7547 दिन हो गए हैं। ऐसे में टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में मिली उस हार का सूद समेत हिसाब लेगी। उस टीम इंडिया में तब राहुल द्रविड़ थे जो अब टीम इंडिया के हेड कोच है। देखिए उम्मीद है वो कसक अंदर है कि हाँ भाई अब बदला लेना है। अजीत असगर की भी मैं जिक्र करूं तो 2003 के वर्ल्ड कप टीम में वो शामिल थे और अब टीम इंडिया चुनने वाले चीफ सेलेक्टर भी हैं। तो ये दोनों ऐसे हमारे बड़े चेहरे पूर्व क्रिकेटर, ये कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से हम वो 2003 का बदला ले लें। बिल्कुल। अब मैं कमेंट्री की बात करूं, कमेंट्री भी कल मतलब सारे मैचों में ऐसा हो रहा था, लास्ट में मैच में आके ऐसा लग रहा है एक तरफा कमेंट्री होने लगी है। ऑल दो सभी भारतीय थे तो भारतीय होने के नाते कमेंट्री भी एक तरफा हो रही थी, बाद में कमेंटेटर ही खुद बोलने लगे कि लगता है मैच यहीं से खेला जा रहा है। अब मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जब हमारे प्लेइंग 11 खेल रहे होते हैं ना, वो प्लेइंग 11 नहीं खेल रहे होते हैं। मैच सिर्फ स्टेडियम में नहीं चल रहा होता है, मैच हर एक घर में चल रहा होता है, मैच एक हर एक दिल में चल रहा होता है और दिल से जुड़ी जो दुआएं है ना वो कबूल होती है। देखिए लोग कितने तरीके के टोटके आजमाते हैं कि कभी म्यूट कर देंगे, कभी देखेंगे ही नहीं कि नहीं हम नहीं देखेंगे तो मैच जीत जाएंगे इंडिया, ये वो प्यार है। अब देखिए कल जो स्टेडियम है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है और वहाँ पर ये मैच होना, मतलब 1.5 लाख के आसपास की कैपेसिटी, 1.25 लाख से 1.5 लाख की कैपेसिटी है वहाँ बैठने की। और काजल एक आपने क्रिकेट में देखा होगा एक वेव चलती है, जब पूरा जब इधर से कोई वेव चल, सचिन सचिन इस तरह की वेव चला करती थी, आज वो विराट की और आप मैं बोलूँ कि विराट मतलब सभी प्लेयर्स की, अब एक का नाम लेना पूरी टीम परफॉर्म कर रही है तो वो वेव चलेगी कल भी, वो वंदे मातरम का वेव चलेगी, वो भारत का मतलब एक से एक गानों की जब वेव चल रही है ना तो एकजुट होने का अपने आप में एक मजा है। तो और ये जो फील है ना वो एक भारतीय बहुत बखूबी फील कर सकता है। देखिए एक और जो रिकॉर्ड है वो बता देती हूँ, अगर मैं बात करूँ भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे में ओवरऑल हेड टू हेड की, तो कुल मैच 150 खेले गए हैं, भारत ने 57 जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 73 जीते हैं। लेकिन अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में हेड टू हेड हुए हैं, कुल मैच 3 हुए, भारत 2 जीता है, ऑस्ट्रेलिया 1 जीता, यानी कि पलड़ा अभी भारत का, अहमदाबाद के अगर स्टेडियम की मैं बात करूँ तो पलड़ा भारी है भारत का। और भारत का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में ये रहा है कि हमने 3 मैच खेले और हमने तीनों जीते हैं, तो पॉजिटिविटी तो पूरी की पूरी 100% है। लेकिन सामने वाली टीम कम नहीं है, देखिए अगर मैं नाम गिनाऊं तो डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, स्वीट स्मिथ, मॉरिस रॉबिन, जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, यहाँ थोड़ा सा घबराहट आ जाती है कि मैक्सवेल है सामने, पर ठीक है हमने तो अच्छे को, हाँ कोई फर्क नहीं। अच्छा आप जितने नाम ले रहे हो ना मुझे तो सिर्फ टीम इंडिया के नाम याद है और मैं सिर्फ वहीं पे फोकस करने वाला हूँ, हमारी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, मैं तो पूरा एक एक बॉल देखने वाला हूँ। और कल हम जब जिस तरह से खेलने वाले हैं वो वाकई में धड़कन रोकने वाला मैच होगा। कई प्लेयर्स इसमें से ऐसे भी होंगे जिनका आखिरी वर्ल्ड कप भी होगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम हो चाहे बिल्कुल, और पूरी तैयारी है, जोश हाई है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है, फिंगर क्रॉस है, प्रार्थना लोग कर रहे हैं और हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी भारतीय टीम जो है वो जीते और वर्ल्ड कप जो है ना भारत में ही रह जाए, इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये शोभा यही देता है। बिल्कुल। तो कल संडे है, संडे को अपना घर पे बैठ के रोड़े बिल्कुल जाम कर दीजिए, एकदम सुनसान कर दीजिए, जाम से मतलब सुनसान कर दीजिए, जैसे कोविड टाइम पे हुआ था, वर्ल्ड कप सब देखने वाले हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, सबके अपने अपने पूरा टाइमिंग है, सबके अपने अपने मजे हैं, किस तरह से वो मैच देखेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ दुआओं का दौर है, वो कमेंट करके जरूर बताइए और कल मैच जरूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा जी।